सब्सक्राइब टू टू यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द द बेल गेट लेटेस्ट अपडेट्स नमस्कार जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी श्री संजय धोत्रे जी आई खड़गपुर के चेयरमैन श्री संजीव गोयंका जी डायरेक्टर श्री वी के तिवारी जी अन्य फैकल्टी मेंबर्स सभी साथी कर्मचारी पेरेंट्स और मेरे युवा साथियों आज का दिन आईआईटी खड़कपुर खड़गपुर के से सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अहम नहीं है जिनको डिग्री मिल रही है आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है आप सभी से सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीदें नहीं जुड़ी हैं बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं इसलिए इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है इसलिए ये जो डिग्री ये जो मेडल आपके हाथ में है वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है आप वर्तमान पर नजर रखते हुए फ्यूचर को भी एंटिसिपेट करें हमारी आज की जरूरतें क्या हैं और 10 साल बाद क्या जरूरतें होने वाली हैं उनके लिए आज काम करेंगे तो कल के इनोवेशंस भारत आज बनाएगा साथियों इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पैटर्न तक ले जाने की क्षमता यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है इसलिए आज हमारे आसपास इंफॉर्मेशन का जो भंडार है उसमें से प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न उसको आप बहुत बारीकी से देख पाते हैं हर प्रॉब्लम के साथ पैटर्न जुड़े होते हैं समस्याओं के पैटर्न्स की समझ हमें उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है ये समझ भविष्य में नई डिस्कवरीज नए ब्रेक थ्रूज उसका एक आधार बनती है आप सोचिए आप कितने जीवन में बदलाव ला सकते हैं कितने जीवन बचा सकते हैं देश के संसाधनों को बचा सकते हैं अगर आप पैटर्न को समझे और उसे समझकर समाधान निकाले और इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में यही समाधान आपको कॉमर्शियल सक्सेस भी दे साथियों जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे ये रास्ता सही है या गलत है नुकसान तो नहीं हो जाएगा समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सेल्फ थ्री यानी सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े हमारे यहां कहा गया है सने ही पंथा शने ही कंथा शनै ही पर्वत लंगनम शनई बिंदिया सनई वित्तम पच्चता शनई शनई यानी जब रास्ता लंबा हो चादर की सिलाई हो पहाड़ की चढ़ाई हो पढ़ाई हो या जीवन के लिए कमाई हो इन सभी के लिए धैर्य दिखाना होता है धीरज रखना होता है विज्ञान ने सैकड़ों साल पहले की इन समस्याओं को आज काफी सरल कर दिया है लेकिन नॉलेज और साइंस के प्रयोग इनको लेकर ये कहावत धीरे धीरे धीरज से ये कहावत आज भी उतनी ही शाश्वत है आप सभी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जिस मार्ग पर चले हैं वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं आपने जो सोचा है आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं संभव है उसमें आपकी पूरी सफलता न भी मिले लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे आपको याद रखना है कि हर वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल असफलता से एक नया रास्ता निकला है मैं आपको सफलता के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता हूं ये न, ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है साथियों 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई है अब आई को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है हमारी आई जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी भारत के लिए समाधान तैयार करेगी उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा साथियों आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आइसा आइसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं क्या हम दुनिया को सस्ती एफोर्डेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाए भारत की पहचान को और मजबूत करें आज भारत उन देशों में से हैं जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं मैंने तो एक बार कहा भी था मैं आई आई के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलर के आधार पर ही घर में चूल्हा झलता हो और सोलर के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं आप देखिए हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं 25 करोड़ का मार्केट है अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा अब यह काम आईआईटी के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए साथियों डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है इसे समझते हुए भारत ने दो वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई का आह्वान किया था दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता भारत की पहल को समझ रहे हैं आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है ऐसे समय में भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स उन पर भी नजरें ही स्वाभाविक है कि डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुनिया को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्माण होता है इमारतों का निर्माण होता है उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं इस बारे में हमें सोचना होगा बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं एक तूफान आ जाए सब तबाह हो जाता है हमने अभी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ हम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें साथियों गुरुदेव टैगोर ने कहा था गेटिंग योर नेशन मीन्स रियलाइजिंग योर ओन सोल इन एन एक्सटेंडेड वे वेन बी स्टार्ट रिक्रिएटिंग अवर नेशन थ्रू थॉट वर्क एंड सर्विस देन ओनली कैन बी सी आवर ओन सोल इन अवर नेशन आज खड़गपुर सहित देश के पूरे आईआईटी नेटवर्क से देश की ये अपेक्षा है कि वो अपनी भूमिका का विस्तार करे आपके यहां तो पहले से ही इसके लिए एक समृद्ध इकोसिस्टम है बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी यहां महत्वपूर्ण इनोवेशन पर बल दिया जा रहा है एआई से जुड़ी एकेडमिक रिसर्च को इंडस्ट्रियल लेवल पर परिवर्तन करने के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है कोरोना से लड़ाई में भी आपके सॉफ्टवेयर समाधान देश के काम आ रहे हैं अब आपको हेल्थ टैग के फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को लेकर भी तेजी से काम करना ही है जब मैं हेल्थ टैग की बात करता हूं तो सिर्फ डेटा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी गैजेट्स की ही बात नहीं करता बल्कि एक इकोसिस्टम एक की बात करता हूं प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक के आधुनिक समाधान हमें देश को देने हैं कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरे हैं लोग पहले थर्मोमीटर और जरूरी दवाइया तो घरों में रखते थे लेकिन अब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए सुगर चेक करने के लिए ब्लड ऑक्सीजन चेक करने के लिए इक्विपमेंट घर में रखते हैं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी इक्विपमेंट भी घरों में बढ़ रहे हैं भारत में पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एफोर्डेबल हो सटीक जानकारी देने वाले हो इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की मदद से नए समाधान विकसित करने होंगे साथियों हो, कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन बन सकता है इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है पीएम रिसर्च स्कीम के माध्यम से भी आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है आपके आइडिया के इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन से भी आपको मदद मिलेगी कुछ दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है जिसके बारे में मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं सरकार ने मैप और जियो स्पेशल डेटा को कं, कंट्रोल से मुक्त कर दिया है इस कदम से टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा इस कदम से देश के युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी साथियों मुझे बताया गया है कि जिमखाना में आप लोग कई सामाजिक सांस्कृतिक स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं यह बहुत जरूरी है हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ही विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहना चाहिए हमारे ज्ञान और नजरिए का व्यापक विस्तार होना चाहिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का विजन रखा गया है मुझे खुशी है कि आईआईटी खड़कपुर खड़गपुर इसमें पहल ही बेहतर काम कर सकता है मैं आईआईटी खड़कपुर खड़गपुर को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा आप अपने अतीत को अपने पुरातन ज्ञान विज्ञान को जिस प्रकार भविष्य के अपने इनोवेशन की ताकत के रूप में एक्सप्लोर कर रहे हैं वो वाकई प्रशंसनीय है अपने वेदों से लेकर उपनिषदों और दूसरी संहिताओं में जो ज्ञान का खजाना है उस पर आप एम्पेरिकल स्टडी उसको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं साथियों इस साल भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है आईआईटी आई खड़गपुर के लिए ये वर्ष इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये स्थान जहां आप साधना करते हैं जहां आप जीवन को नया आयाम देते हैं यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के महान अतीत से जुड़ा रहा है ये भूमि आंदोलन के युवा शहीदों की टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नैतिकता की साक्षी रही है मेरा आपसे आग्रह है कि बीते सालों में जो 75 बड़े इनोवेशन 75 बड़े इनोवेशन बड़े समाधान आईआईटी आई खड़गपुर से निकले हैं उनका संकलन करें उनको देश और दुनिया तक पहुंचाएं अतीत की इन प्रेरणाओं से आने वाले वर्षों के लिए देश को नया प्रोत्साहन मिलेगा नौजवानों को नया आत्मविश्वास मिलेगा आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे देश की अपेक्षाओं को कभी भूलेंगे नहीं देश की आकांक्षाएं ही आज का आपका प्रमाण पत्र है ये प्रमाण पत्र दीवार पे टिकाने के लिए या कैरियर के लिए भेजने के लिए सिर्फ नहीं है ये ये, ये ये जो आपको आज सर्टिफिकेट मिल रहा है वो 130 करोड़ देश की आकांक्षाओं का एक प्रकार का मांग पत्र है विश्वास पत्र है आश्वासन पत्र है मैं आपको आज के इस शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं आपके माता पिता की आपके प्रति जो अपेक्षा है आपके अध्यापकों ने आपके लिए जो मेहनत की है ये सब कुछ आपके पुरुषार्थ से आपके सपनों से आपके संकल्प से आपकी यात्रा से संतोष प्राप्त करेंगे इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद